नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ का लोक सेवा आयोग जो पहले क्लास टू ऑफिसर या एक लेवल के अधिकारियों का ही भर्ती करवाता था, अब वो इतिहास में दूसरी बार वृत्त का भर्ती करा रहा है। पहली बार उसने खुद के विभाग के लिए किया था और आज पहली बार वो दूसरे के विभाग के लिए भी भर्ती करा रहा है। संभवतः ये जो वृत्त का जो वैकेंसी आया है ये सामान्य प्रशासन विभाग के लिए है, हो सकता है किसी दूसरे विभाग का भी हो, लेकिन ये समझिए कि एक आवेदन जो उस हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया गया था कि व्यापम जो है सिर्फ और सिर्फ भर्ती परीक्षा, मतलब जैसे पीईटी हो गया, पीएटी हो गया, पीपीटी हो गया, और जो बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, ये सब का बस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, बाकी जॉब से रिलेटेड जितना भी वो सीजीपीएससी कराए। तो सीजीपीएससी वैसे भी उसका जो कई सारा हमें दिखने को मिला है, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं, समझते हैं पूरे पूरे चीज़ों को। सबसे पहले मैं आप सभी को ये समझा दूं, ये भर्ती परीक्षा जो आया है क्या चरण है, एग्ज़ाम डेट या कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या चरण होंगे, ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि क्या सीजी व्यापम भविष्य में जितने भी भर्ती परीक्षाएँ होगी जॉब से रिलेटेड उसको कराएगा कि नहीं कराएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसके लिए आप सभी वैसे तो सीजीपीएससी के जो प्रतिभागी हैं, जो तैयारी करते हैं, वो वृत्त का पद ना डाले मैं यही चाहूँगा, लेकिन जो भी भाई अगर वृत्त का पद डाल रहे हैं तो उनके लिए आवेदन करने की जो तिथि है वो है 8 जून सन 2022 12 बजे से लेकर के दिनांक 2/7/2022 को रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पदों की बात करें तो 80 पदों पर ये भर्ती होना है, और इसके लिए फिर अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि कुल रिक्तियों के वर्गाकार संख्या अनारक्षित इसमें 34 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 है, मतलब टोटल में बात किया जाए तो, और 25 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है। अब उसमें अगर महिलाओं को बात किया जाए तो अनारक्षित की 10 महिलाओं के लिए है, अनुसूचित जाति के 3 महिलाओं के लिए है, अनुसूचित जनजाति के 7 महिलाओं के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 महिलाओं के लिए है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी है, इसमें 6 पद हैं, अनारक्षित में, अनुसूचित जाति में 2 है, अनुसूचित जनजाति में 5 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 है, और निःशक्त जनों के लिए भी 5 पद है। तो ओवरऑल समझिए कि 80 पदों पर भर्ती होना है। अब मेन है इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा मेन आता है शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी का है, याद रखिएगा इस चीज को। आवश्यक न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो है सबसे पहला चीज, तो आप 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। तीसरा है शुद्ध लेखन की परीक्षा। अब ये शुद्ध लेखन यहां पर लिखा है और आगे चल करके इमला लिखा है, इमला और शुद्ध लेखन थोड़ा सा अंतर होगा, या उसी चीज को मान सकते हैं शुद्ध लेखन और इमला। इमला में क्या होता है ना, कोई सामने वाला बोलेगा और उसको आपको लिखना रहता है, तो ये दो चरणों में इसका एग्जाम होना है। पहला तो आप सिंपल जो रिटर्न एग्जाम, मतलब गोला वाला ही एग्जाम है, उसी गोला वाला एग्जाम देंगे, उसके बाद फिर जब आप उसको क्लियर करेंगे उसके बाद फिर आपको इमला बोला जाएगा, और इमला आप लिखेंगे, उसको चेक करवाएंगे, अगर आप सही रहे तो फिर आपका सिलेक्शन है। आगे बाकी सारा चीज यहाँ पर वही आयु, आयु के लिए है, तो आयु का देख सकते हैं, जो नॉर्मल अपना पीएससी रखता है वही है पूरा का पूरा, इसमें आयु सीमा भी, आयु सीमा में कुछ खास चीजों को चेंज नहीं किया गया है। अभ्यर्थी का आयु दिनांक 1/1/2022 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 में दी गई 5 वर्ष की छूट होगी, अर्थात 40 साल तक का जो छत्तीसगढ़ का कोई होगा तो वो भर सकता है, उसके बाद भी और भी ज़्यादा छूट मिलेगा जैसे जैसे अंदर घुसोगे। तो ये हो गया आयु के लिए बात कर लिए। अब बाकी सारा चीज़ उतना कुछ खास नहीं है, अब सीधा सीधा हमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे देखना चाहिए। परीक्षा जो है वो 2 चरणों में होगी, प्रथम चरण जो है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा और दूसरा जो चरण है वो शुद्ध लेखन है। 100 मतलब जो पहला परीक्षा है वो 200 अंक का होगा, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र होंगे जो कि छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, छत्तीसगढ़ का भाषा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें लगभग 150 प्रश्न होंगे जो कि 150 नंबर का होगा, और शुद्ध लेखन जो कि इमला है वो 50 अंक का होगा, ठीक है। जो बंदा फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेगा, ठीक है, उसके 5 गुने लोगों को क्या किया जाएगा, शुद्ध लेखन के लिए बुलाया जाएगा, और शुद्ध लेखन में आपको इमला बोला जाएगा जिसको आपको लिखना रहेगा, ठीक है। दोनों परीक्षा चरणों के परीक्षा के प्राप्त अंकों को जोड़कर चयन सूची तैयार की जाएगी, अभ्यर्थियों की 100% परीक्षा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है, मतलब सबका रिजल्ट आएगा, ऐसा कहने का मतलब है। देखो,
पीएससी में कहा जाता है, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कुछ आरोप नहीं लगा रहा हूँ पीएससी के ऊपर, बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पैसा चलता था इंटरव्यू में और भृत्य का जो पेपर है यहाँ पैसा चलेगा ये शुद्ध लेखन में, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पर चाहते तो ये शुद्ध लेखन वाला भृत्य का पद के लिए भर्ती कराया जा रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट उसका पहला चरण में एग्जाम कंडक्ट करा करके आगे ज्वाइनिंग दे देना था। लेकिन यहाँ पर भी वही एक चरण तो चाहिए पीएससी को, चाहे मेंस हो चाहे शुद्ध लेखन हो, ठीक है। आगे इसके लिए फिर पूरा सिलेबस वलेबस दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ ये जो पीडीएफ आप इसको में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल समझिए 80 पदों पर भृत्य का भर्ती होने वाला है, जो भाई लोग 8वीं पास होंगे वही डालिएगा। और देखिए पीएससी ले रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि अपन भृत्य में भी डाल दें, अपना एक जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखिएगा आप सभी। अब आता हूँ मैं मेन व्यापम के ऊपर। देखो व्यापम जो है उसका अस्तित्व सच में खतरे में है, क्योंकि अगर इस प्रकार का भृत्य तक का भर्ती अगर पीएससी करने लग जाए तो व्यापम का, तो जैसे कि देखो अभी छात्रावास अधीक्षक का आने वाला है ना, कुछ दिन में क्या हो जाएगा, इनको प्रमोशन मिलने वाला जो प्रक्रिया है वो हो चुका है, जो हॉस्टल वार्डन है उनको बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद वो भी आ जाएगा हॉस्टल वार्डन भी। तो ये व्यापम के लिए ठीक नहीं है और पीएससी के लिए ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम कंडक्ट कराएगा पीएससी। आज का वीडियो यहीं तक था, आपको क्या लगा जरूर बताइएगा, और अगर आप सभी इसका जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। बाकी व्यापम को ये एग्ज़ाम लेना था या पीएससी ले रहा है वो ठीक कर रहा है, आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक चीज़ और, अगर व्यापम लेता इस एग्ज़ाम को तो इसमें शुद्ध लेखन मतलब जो इमला वाला पोर्शन है वो नहीं होता, ये गारंटी है, ठीक है। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।